नायरा दीदी अनमोल अनमोल तुम अचानक तुम यूएसए से कब आए? तुम्हारा काम कैसा चल रहा है? तुम अकेले आए हो? बुआ नहीं आई? नहीं, वो माँ कहीं गई हुई थी। मैं दादी के साथ आया हूँ। वो नानी के साथ नीचे बैठी है और मैं ऊपर आ गया। वो आपसे कुछ बात करनी थी ना, इसीलिए। अरे बात तो कर बाबा, इतना भी क्या नाराज है कि चुप्पी हो गई है? क्या बात करूं भाई, जो बात कहनी थी वो तो कहने की हिम्मत नहीं। क्यों? जब भाई का रिश्ता टूट रहा है तो अपने रिश्ते की बात कैसे करेगा कोई? रिश्ता मतलब शादी? हाँ दीदी। अनमोल, are you sure? मतलब पक्का ना? अगर श्योर नहीं होता तो इतनी बड़ी बात नहीं कहता दीदी। बहुत बड़ी बात है ये मानसी, पर तू बता, तू मजाक तो नहीं कर रही ना? ऐसे मौके पे मजाक क्यों करूंगी भाई। अच्छा ओके, तो बता कौन है ये, क्या करता है? सब बताऊंगी, लेकिन अभी नहीं। क्यों, अभी क्यों नहीं? आप माँ ने बताया मुझे आपके और कार्तिक जीजू के बारे में। तुम उसकी चिंता मत करो, बता। इट्स ओके, मैं वेट कर सकता हूँ। जब आपका मूड ठीक होगा मैं तभी आपको बताऊंगा, लेकिन बताऊंगा सिर्फ आपको ही। क्यों, सिर्फ मुझे ही क्यों? क्योंकि फैमिली से बात आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि आप दोनों फैमिली। क्या हुआ, क्या बोल रहे हो अनमोल, साफ साफ बोलो। दोनों फैमिली एज इन हमारी फैमिली और आपकी फैमिली, दोनों ही आपकी बात मानती है, इसीलिए आपकी हेल्प चाहिए थी। इसमें हेल्प की क्या बात है, फर्ज है मेरा। पर पहले तू ये बता कि ये लड़का कौन है, मैं जानता हूँ कैसे। आपको सब पता चल जाएगा, लेकिन अभी के लिए आप बस फैमिली को प्रिपेयर कर लो उसके फैमिली से मिलने के लिए। हवा के घोड़े पे सवार होते हैं सब, चटमगनी पट गया। कल बताया, आज मिलने को बुला लिया। उसका उतावलापन हम समझ सकते हैं, लेकिन किट्टू तुम तो सब से काम लो, तुम्हें क्यों इतनी जल्दी हो रही है? लेकिन माँ जी, अगर रिश्ता अच्छा हुआ और हाथ से निकल गया तो अफसोस भी हमें ही होगा, और अगर जल्दबाजी में हमने कोई गलत फैसला ले लिया तो उसका अफसोस भी हमें ही होगा, बाद में हम कुछ नहीं कर पाएंगे। शुभ काम के लिए जा रहे हैं, अशुभ बातें करके उस पर नजर क्यों लगा रही है? मैं नजर लगा रही हूँ? आप लोग प्लीज ये सारी बातें छोड़ देंगे, जितना डिस्कशन करना था घर पर कर लिया ना हमने। हम जिस काम के लिए आए हैं उस पर फोकस करते हैं। देख नायरा, मैं सिर्फ तुम्हारे कहने से यहाँ पे आई हूँ, अब तुम ही संभाल लेना। लेकिन एक बात मैं साफ साफ कह देती हूँ, लड़की का घर बार हमारी टक्कर का होना चाहिए, नहीं तो मैं ये रिश्ता होने नहीं दूंगी। तो बच्चा है, इसे थोड़ी ना पता है अच्छा क्या है बुरा क्या है। इतने जनों को बुलाने की क्या जरूरत थी, बस दो लोग आके मिल लेते, बेकार ही सबको परेशान कर दिया। हाँ, नंदिनी और मोहित पहले आके मिलते, सब ठीक लगा तो बात को आगे बढ़ाते, ये सब ऐसे। हाँ संदन जी, मैं भी तो वही कह रही थी, नंदिनी कुछ ज्यादा संभाल नहीं पाती, लेकिन मैं अकेली सब कुछ संभाल लेती। लेकिन नहीं, अनमोल ने मुझे कुछ नहीं बताया, जाके सीधा नायरा को ही बता दिया। लड़की का नाम क्या बताया तुमने अनमोल? नाम थोड़ी ना बताया, कहा तो कि सरप्राइज है। हाँ, अंधेरे में तीर मार रहे सब लोग। अनमोल की पसंद है आंटी, मिल तो लेते हैं। हाँ दादी, एक बार मिल तो लेते हैं ना, फिर देखते हैं क्या करना है। हाँ। We'll be right back.
हाय। भाई ये है लड़का। मुझे मेरे भाई मिल गए। पता है आज मैं कितनी खुश हूँ। और आज भगवान से मैं कुछ और भी मांगती तो भी मुझे मिलता। सच बताऊँ मैं तो इस सावन में ना बस दिन गिन रही थी कि कब रक्षाबंधन आ जाए और कब मैं अपनी भाइयों की कलाई पर राखी बांधू। आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। बहू हम लोग परेशान हो रहे थे ना कि अनमोल के ससुराल वाले कैसे होंगे। ये देखो ये तो अपनी फैमिली है और कितनी अच्छी। अबे हमें रिश्ते के लिए इतराज करने की बात ही नहीं है। हमें रिश्ता मंजूर है, मंजूर है हमें रिश्ता। चंदन जी बधाई हो, बधाई हो। बच्चों को आशीर्वाद देते हैं। अरे मानसी मेरा बच्चा, खुश रहो खुश रहो। अरे मामा आज तुम्हें गंगा नहाली, कितना अच्छा परिवार मिला है हमें। अनमोल मेरे बच्चे मैं बहुत खुश हूँ। क्या पसंद है तुम्हारी, खुश कर दिया। दादी आप प्लीज औरों को बोलने का भी तो मौका दीजिए ना। हाँ हम लोग आराम से बैठकर बात कर सकते हैं प्लीज। मानसी हमें पहले से बताना चाहिए था ना कि कौन सी फैमिली है, हम लोग थोड़े प्रिपेयर होके आते। क्या बात है मानसी, अब तुम भी बातें छुपाने लग गई। भूल गई कि ये आदत सिर्फ सबको दुख पहुंचा सकती है, उसके अलावा कुछ नहीं। सब कुछ अपने सामने देखा हुआ है ना, उसके बाद भी। माँ प्लीज अब ये सब बातें करके क्या फायदा है। हम यहाँ अनमोल और मानसी की शादी की बात करने आए ना तो। छुपाने का चलन तो पुराना है इस फैमिली का, वो बात हम कैसे भूल सकते हैं जो अखिल जी ने और मानसी ने इतने महीनों तक हमसे छुपाई थी। अक्षरा को भूल। हमारी बेटी की गलतियों को गिनवा के आप क्या चाहती हैं कि आपकी बेटी की हरकतों को भूल जाएं? वैसे याद होगा ना आपको कि उसने उस आश्रम वाली लड़की के साथ क्या किया था, पुंगी के साथ। सोना क्या कर रही हो, ये क्यों ये सब बातें करके बात को और बढ़ा रही हो। कुछ गलत कहा मैंने कार्तिक, ऐसे लड़के के साथ अपनी बेटी की शादी कौन करेगा जिसके बारे में। ताई जी प्लीज वो बात बहुत पुरानी हो चुकी है, अनमोल बदल गया है। उसने मुझे इंसिडेंट के बारे में खुद बताया और ये भी बताया कि उसे बहुत अफसोस है। ये बात तो बिल्कुल सही कह रही है मानसी, मेरे अनमोल को इससे ज्यादा और कौन समझ सकता है भला। ये ऐसी बातें भुलाना आसान नहीं होता मानसी, और वैसे भी तुम अभी छोटी हो, ना समझो। जो भी कोई बोलता है उस पर भरोसा कर लेती हो, इसलिए तुम चुप रहो और बड़ों को बात करने दो। तो आपका कहने का क्या मतलब, आपकी मानसी छोटी और ना समझ है और अनमोल ने उसे बहकाया है। हमने ऐसा कुछ नहीं कहा। हाँ बहू इन्होंने ऐसा कब कहा। अब देखो दोनों बच्चे बालिग हैं, एक दूसरे को पसंद करते हैं, शादी करना चाहते हैं, है ना बच्चों? मैं ठीक कह रही हूँ ना? अब ये बताओ कि तुम दोनों कहाँ मिले, कैसे मिले? हम लोग यूएस में मिले थे एक फ्रेंड के थ्रू। अब पहली बार मैंने शुरू की थी, अनमोल ने नहीं। आप लोग सब प्लीज पिछली बातें भुला के आज की बात करेंगे तो फैसला लेना आसान होगा। बात मानसी और अनमोल की, उनके रिश्ते की, उसी पे फोकस करते हैं। हमें नहीं लगता अब इस बारे में कोई बात हो सकती है। काश कि बच्चे पहले इस फैमिली के बारे में बता देते तो इस तरह सबका टाइम तो वेस्ट नहीं होता। चलो मानसी ये रिश्ता नहीं होगा। हाँ हाँ
आइए प्लीज, हमें भी रिश्ता नहीं करना आपकी फैमिली के साथ, स्पेशली आपने जो जो मैंने, आप अच्छी तरीके से जानती हैं स्वर्णा जी आपने क्या किया है। चलो अनमोल, चलो मानसी। एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने मानसी अनमोल से, अगर पहले बता देते तो ये सब शायद इसी डर की वजह से नहीं बताए। उनका रिश्ता ना होने की वजह हमारा रिश्ता है शायद। शायद नहीं, पक्का। मैं अनमोल की साइड नहीं ले रही हूँ, तुम ये मत समझना कि वो मेरा कजिन है इसलिए मैं जानता हूँ। ये मानसी भी तुम्हें उतनी ही प्यारी जितना अनमोल। सोचो अनमोल बचपन में थोड़ा बिगड़ा हुआ था, ये तो तुम भी जानते हो ना, तुमने भी देखा है, पर पिछले कुछ सालों में उसमें बहुत चेंज आया है। शायद इसकी वजह मानसी ही रही हो। वो ने बताया वो लोग जब ऋषिकेश गए थे तो अनमोल ने पुंगी से मिलके उससे सॉरी भी कहा। देखो नायरा, हो सकता है अनमोल सचमुच सुधर गया, पर एक भाई होने के नाते I need to be sure कि मेरी बहन का रिश्ता किससे होने जा रहा। वैसे मानसी समझदार है, उसे सही गलत की समझ है, पर फिर भी ये रिश्ता क्या कहलाता है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस YouTube पेज को।